नमस्कार दोस्तों, यहाँ पे फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड बड़े ही मतलब कि बड़े टाइम के बाद, बड़े परिश्रम के बाद अप्लाई किया और उसको डिक्लाइन कर दिया गया। कितनी दुख वाली बात है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, काफी सारे व्यूअर्स को ये शिकायत है कि मैं अप्लाई करता हूँ वन टाइम, टू टाइम, थ्री टाइम, फोर टाइम, मेरा बार बार डिक्लाइन ही होता है। चलिए बताने वाले हैं एक व्यूअर्स की बातें जो आपको बहुत अच्छा लगेगा, एक जानकारी, एक सीख भी आपको मिलेगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों यहाँ पे एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड आपको पता है काफी यूनिक और मशहूर कार्ड है। आप जानते हैं कि इस कार्ड को मतलब कि जिनको नहीं चाहिए, जिनको जरूरत ही नहीं है, उनको बड़े आसानी से मिल जाता है। और जो लोग इसके पीछे पड़े रहते हैं रात दिन, मतलब कि मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, अगर यही मंत्र जपते हैं तो उनको ये नहीं मिलता है। और जो लोग बोलते हैं मुझे चाहिए ही नहीं, उनको बड़े आसानी से मिल जाता है। यहाँ पे हमारे व्यूअर्स ने अप्लाई किया, आप दोस्तों बता दो कि यहाँ पे सब कुछ सही रहा, फिर भी एक कार्ड डिक्लाइन हो गया। ईमेल आ गया कि आपको हम कार्ड नहीं देने वाले हैं। अभी दुखी हो गए भैया, मुझे कार्ड नहीं मिल रहा, मैं क्या करूं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखो इस कार्ड को अप्लाई करना या एक्सिस बैंक कोई भी कार्ड लेना बहुत आसान है और बहुत आसान भी नहीं है। आसान उनके लिए है जो लोग अपने अंदर एक चीज बैठा लेते हैं कि मुझे इस कार्ड को अप्लाई नहीं करना है, एक टाइमिंग का इंतजार करना है, उनको एक कार्ड बड़े आसानी से मिल जाएगा। और जो लोगों ने कसम खा लिया है कि मैं अपने सिविल को बर्बाद करूंगा, इंक्वायरी कितनी भी आ जाए मैं इसको अप्लाई करके लूंगा ही, तो उनको दिक्कत ही दिक्कत पैदा होती है। तो यहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे मेरे व्यूअर्स ने काफी दुखी थे, कार्ड डिक्लाइन हो गया, अभी बोलते हैं मैं क्या अप्लाई फिर से कर सकता हूँ, तो भैया आप अप्लाई मत करो। और आपको ये कार्ड नहीं मिल रहा है तो आप कुछ मत करो, अगर आप मेरी बात को फॉलोअप करते हैं, अगर आप मुझे मानते हैं तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा, वेट करो, एक टाइम का, एक समय का वेट करो, कुछ मत करो। आप वेट करो, अपने सिविल को, अपने आप को मेंटेनेंस करो, अपनी प्रोफाइल को अच्छा बनाकर रखो। मैं हर वीडियो में सिविल का नाम लेता हूँ, आप लोग जानते हैं कुछ लोग मुझे उल्टी पुल्टी बातें बोलते हैं, मैं इसलिए नाम लेता हूँ कि किसी भी लोन फाइनेंशियल लाइफ के लिए आपका सिविल जरूरी है, इसके बिना कुछ भी नहीं है। चाहे आप कितने बड़े अमीर आदमी हो, बहुत पैसे वाले, उससे कोई मतलब नहीं है, इसकी एक कहानी ही अलग है। चाहे कोई गरीब आदमी हो, चाहे अमीर आदमी हो, सिविल सबके लिए सेम है। तो इसीलिए मैं इसका नाम लेता हूं कि ये आपका गड़बड़ा गया तो आपको मिलने वाला कुछ भी नहीं है। तो मैं आपसे इतना कहूंगा कि सिविल को मेंटेनेंस करो, प्रोफाइल अच्छा बनाओ, और इसके पीछे दीवाने मत बनो, इसके पीछे भागो मत, वेट करो एक टाइमिंग का। यकीन मानो जब आपकी अच्छी टाइमिंग आएगी तो ये आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। मेरा एक दोस्त है, बहुत खास है, उसको एक कार्ड चाहिए था, उसका डिक्लाइन हो गया, मुझसे मिला, मैंने बोला भाई इसको मत अप्लाई करो। उसने एक साल इंतजार किया, सिविल को अच्छा परफेक्ट बनाया, एकदम अच्छे से मेंटेनेंस किया। एक बार उसने बोला भाई आज ट्राई कर, एक साल हो गया है, मैंने ट्राई किया। ट्राई करने के मात्र 3 मिनट के अंदर केवाईसी का भी ऑप्शन नहीं आया, आप यकीन मानो केवाईसी का भी ऑप्शन नहीं आया, डायरेक्टली एजेंट विजिट का ऑप्शन आ गया। और जैसे आज ही मैंने प्रोसेस किया, उसे कुछ ही घंटे के अंदर जो है एजेंट विजिट भी कर रहे घर पे, और जैसे केवाईसी किए बायोमेट्रिक, वो कार्ड तुरंत अप्रूव हुआ और 2,70,000 की लिमिट मिल गई। बताओ कैसे, क्योंकि उन्होंने प्रोफाइल को अच्छा बनाया, एक समय का इंतजार किया। तो अभी ये काम कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को ऑन कर देना।